स्वागत है। तो आज का जो हमारा विषय है वो यहाँ के उद्योग के ऊपर केंद्रित है। तो हम तमाम दर्शकों को ये दिखाना बताना चाह रहे हैं कि हमारे उद्योग ने पिछले 30-35 सालों में क्या किया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि रेवाड़ी जो था, रेवाड़ी एक तरह से लघु उद्योग में ही था कि जहाँ जो यहाँ रेवाड़ी शहर में मतलब 8-10 कंपनियां थी जिनसे रोजगार चलता था। तो आपको क्या लगता है कि आज एमएनसी ने अपने मतलब एमएनसी के आने के बाद बावड़ और धारोड़ा में जो डेवलपमेंट हुई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो भाई साहब मैं आपको और आपके इस समाचार पत्र को और इस चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने इस विषय को उठाया, क्योंकि ये बहुत कोर विषय है, क्योंकि समाज के लिए आज के वक्त में एक बेरोजगारी एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। तो आपके सभी जो दर्शकगण हैं और श्रोतागण हैं उनको मेरा हार्दिक नमस्कार। और इस विषय पर मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारे शहर में जो रेवाड़ी शहर के नाम से जाना जाता था वो कभी गुड़गांव से ज्यादा डेवलप था और यहाँ पर उनसे ज्यादा रोजगार के सेंटर्स हुआ करते थे। आप तो इसके साक्षी रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा रहा है, जैसे पीतल उद्योग यहाँ पर रहा है, कॉपर के लोटे हैं, पीतल के बर्तन है, ब्रास इंडस्ट्री है, जूती उद्योग है, या और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर काफी अच्छी थी। हमारे आसपास 300 गांव लगते हैं, आप सब जानते हैं, और रेवाड़ी उसको मुख्यतः सेंटर था जहाँ पर ये सब काम होते, लोग हमारे यहाँ शहर पर आते थे। जब लघु उद्योग और जो क्या नाम है तिल्ली उद्योग की बात करें, तिल्ली की जो जूतियां बना करती थी वो पंजाब में उनकी अच्छी खासी मार्केट होती थी और यहाँ से उनको आय भी मिलती थी जो कारीगर थे। और इसी के साथ ही ब्रास मार्केट में अगर ब्रास के हिसाब से हम तुलना करेंगे, भाई जो पीतल उद्योग है जामनगर मुरादाबाद और अपने रेवाड़ी का ही नाम आता है, जो लगभग ये लगाओ कि 300 साल पहले यहाँ पे पीतल उद्योग पनपा था, लेकिन आज की वर्तमान जो स्थिति है पीतल उद्योग एक तरह से बहुत दयनीय स्थिति में है। तो उन परिवारों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जो पीतल उद्योग और जूती उद्योग को वापस से एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जैसा कि पिछले 500-600 सालों से वो लगातार एक आय का सोर्स बना हुआ है। देखिए, लघु उद्योगों को सबसे पहली श्रेणी होती है कि उसके लिए जगह स्वस्थित जगह हो जहाँ पर वो अपना काम कर सके। जैसे आप जानते हो कि पीतल उद्योग तो हमारे शहरों के अंदर गलियों में बनता है, वो शहर पहले शहर था तब गलियां नहीं थी, अब वो शहर की गलियां बन गई है, उनके अंदर पॉल्यूशन की समस्याएं हैं, लाइट की समस्याएं, बहुत सारी चीजों की समस्याएं हैं। दूसरा, हमारे शहर रेवाड़ी में कोई ऐसा लघु उद्योगों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है या सरकार ने अलॉट किया हो, कोई सेक्टर बनाया हो या कोई जगह स्पेस की हुई हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 100-200-300 गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट हो। मुख्यतः आप देखिए जो लघु उद्योगी होता है उसका घर और उसका कारोबार दोनों साथ होते हैं, वो ऊपर रहता है नीचे अपना व्यवसाय चलाता है। अब हमारी गलियों में आज के वक्त में आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की दूरी समस्याएं हैं। दूसरा, हमारे जो लघु उद्योग है उनको समय अनुसार डेवलप नहीं किया गया, उनको ऑटोमेशन पे जो सिस्टम आ गया है, मुरादाबाद से कनेक्टिविटी हो गई है, रेवाड़ी से आज के वक्त में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। आप जानते हैं रेवाड़ी से जाने के लिए पहले दिल्ली जाना होता है फिर काम करना होता है। हमारा नेशनल हाईवे बावल जो एक पनपा था वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए पनपा था, ऑटो इंडस्ट्री ने शुरुआती दौर में अपनी जरूरतों के हिसाब से छोटे लघु उद्योगों को काम दिया, उनको डेवलप किया, लेकिन पिछले 10 सालों के अनुभव मेरे अनुभव ये कहते हैं कि बावल इंडस्ट्रियल जो ऑटो एंसरी सिस्टम है वो ना तो रोजगार दे पा रही है हमारे युवाओं को और ना ही कोई छोटा उद्योग उनको लगाने के लिए दे रही है, क्योंकि वो मैक्सिमम लोग जो है वो उनको डेवलप लोग चाहिए जिनके लिए वो बाहर से डेवलप कंपनियां या डेवलप एंसरी को ला रहे हैं। हमारे उद्यमियों को ऐसा रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने 70% रोजगार के लिए प्रावधान किया था, मैं इसके लिए अपनी तरफ से एक बात कहता हूँ कि ऐसा भी प्रयोजन होना चाहिए कि 20% या 25-30% लोग लोकल युवा उद्योगपतियों को या छोटे जो एमएसएमई है उनको काम दिया जाए। हमारे यहाँ पर ये बड़ी समस्या है कि सिर्फ आदमी स्किल के ऊपर बात कर रहा है, जो जॉब सीकर्स के लिए स्किल सेंटर्स खोलने की बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी भी रोज कौशल रोजगार योजना की बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन ऐसा कोई स्किल सेंटर बनाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं जिससे लोगों को अपने पुराने उद्योगों पर काम करने के लिए नई रीति नीति के साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग काम कर सके, ऐसा प्रोविजन नहीं है। दूसरा, उनको बाहर जाने के लिए या मशीन के लिए इक्विपमेंट्स के लिए उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। मैं खुद एज ए लघु उद्योग भारती रेवाड़ी का प्रेसिडेंट होते हुए मानता हूं सरकार ने सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है, लेकिन एजुकेशन नहीं है, उनके पास प्रावधान नहीं है, अधिकारी उनके पास जाते नहीं है, उनसे बात करते नहीं है उनकी समस्याओं के हिसाब से सब्सिडी प्लान नहीं करते, उनके हिसाब से प्राथमिकता नहीं देते उन लोगों को, उनको कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है, सरल प्रक्रिया नहीं है, उनको सब्सिडी लेनी है तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, बैंक जो है उनको सपोर्ट नहीं करते,
बैंक जाके उनको पेपर्स मांगते हैं, पेपर उद्यमी काम करेगा, एक छोटा उद्यमी या पेपर्स के काम करेगा, तो उनके लिए एक सरलीकरण किया जाए कि एक ही पेपर में सारे काम हो जाए, सब्सिडी मिल जाए उनको। सरकार ने तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इतने सारे व्यवसायी प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी हुई है ऑनलाइन के लिए, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया हुआ है। लेकिन सवाल यह कि सोशल मीडिया के वक्त में हमारे यहाँ पे लोग अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि उद्यमी के नाम से एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें अलग अनेक प्रकार के घरेलू उद्योगों के लिए बहुत सारी सब्सिडी जानकारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग भूल चुके हैं, हमको आती थी, हमारा तो हरित प्रसाद देश हमारा प्रदेश इवन, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाई। एग्रीकल्चर अगर बात करते हैं, हम हरियाणा को एक एग्रीकल्चर स्टेट के मानते हैं, तो कम से कम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो डेवलप होनी चाहिए थी। सब समय अनुसार हम लोगों ने हमारी पद्धतियों के बारे में सरकार अवेयर नहीं कर पाई। पिछले 30 सालों में सरकार अवेयरनेस पे काम नहीं कर रही है, खास तौर से किसान। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आपको बहुत सारे काम कर सकता हूँ। आप देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बायोगैस की नए सिस्टम शुरू किया है सीबीजी पे, जिस पर सरकार 30% सब्सिडी दे रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे 35% सब्सिडी है, आप जानते हैं 35% सब्सिडी है मशीनरी इक्विपमेंट पे, फूड प्रोसेसिंग पे सरकार काम कर रही है। बट सरकार की कमी है कि सरकार उसको बता नहीं पा रही, समझा नहीं पा रही, और आम आदमी को विश्वास नहीं जता पा रही कि आप अगर आप ये सब चीज चाहोगे तो आपको मिल जाएगी। सरकार इसमें विफल रही है। सरकार काम कर रही है लेकिन सरकार ये नहीं समझा पा रही कि ये सब्सिडी आपके लिए है, आपको बढ़ाने के लिए है, आपका काम करने के लिए है, लेकिन हम उसको नहीं समझा पा रहे हैं। ये मैं अपने भी थोड़ी सी विफलता मानता हूँ कि मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश तो करता हूँ, बट क्या है कि वो पुरानी जकड़न है वो छूटती नहीं, इसलिए ऐसा ज्यादा हो रहा है। अभी एक बात करते हैं, सेंटर खुला था जो एक तरह से बिल्कुल इस वक्त बहुत मतलब स्थिति में है कि वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी हम बात करते हैं कि जब सरकार ने अनाज मंडी के लिए जगह दी वहां पे अनाज है, और जहां सब्जी मंडी के लिए जगह दी वहां पे सब्जी मंडियों के जो फड़ है वो लगे हुए हैं, लेकिन जो जमीन यहां पे ब्रास मार्केट के नाम पे दी गई जिसे हम सेक्टर एक भी कहते हैं, वहां पर ब्रास का कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो ब्रास मार्केट कही जाती है लेकिन ब्रास का वहां पे कुछ भी नहीं है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि ऐसी कोई मतलब इन पे बाउंडेशन लगे कि जो जमीन जिस चीज के लिए मिली है वहां पे उसका वही वर्क होना चाहिए? देखिए, शुरुआती दौर में अगर आपको याद हो तो जब ऑक्शन हुई थी सेक्टर एक की, और या आप ग्रास मार्केट की बोल सकते हैं, उस वक्त ऐसी कंडीशन थी, लेकिन उसके बाद फिर काफी सारे लोगों को बाहर लाने में दिक्कतें हुई, इसलिए उस बाउंडेशन को हटाया गया। पहले कंडीशन थी, उसके बाद हटा दिया गया कि ये भाई कंडीशन लगेगी तो शायद मार्केट डेवलप नहीं होगी। लेकिन विषय ग्रास मार्केट से है, लेकिन ग्रास मार्केट से ज्यादा बड़ा ये है कि लोकल लोग जो है उसमें बाहर नहीं आ पाए उस समय में। ये कहीं ना कहीं विफलता है सरकार की स्कीमों की कि वो लोग बाहर आने के पक्ष में नहीं थे। पक्ष में आ जाए, सरकार की सब्सिडी को समझे और सरकार उसके ऊपर तुरंत फुरत काम करे इसके लिए कि भाई आदमी कैसे एमएसएमई में सेक्टर में डेवलप हो। हरियाणा का जो व्यक्ति है वो स्वाभिमानी है, वो देश के गौरव के लिए ओलंपिक मेडल जीत के लाता है, वो जॉब सीकर नहीं है। ये आप मानकर चलिए, ये मेरी बात मानिए कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी इसलिए नहीं है कि काम नहीं है, हमारे यहाँ पर बेरोजगारी इसलिए है कि हमारे प्रदेश का व्यक्ति स्वाभिमानी है, उसको अपने लेवल का काम चाहिए, वो अपने लेवल पर काम करेगा, वो देशभक्त है, वो सरहद पे मर जाएगा लेकिन ऐसे काम करेगा जो उसके स्वाभिमान को छूते हो। ऐसे नहीं कि अछूते लोग हो, वो उस काम को नहीं करेगा। बेस तौर से एलएनसी जो कंपनियां हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर मैन पर का प्लान कर लिया है, ये इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर मैनपावर में नहीं जा सकता। अगर एमएनसी के में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट उसका हो रहा है तो वो काम करना चाहता है, आप खुद इसके लिए जानते हैं। और फिर एमएसएमई बनाना चाहने की उसकी प्रॉब्लम है, बाजरा हमारे पास है, आप मिरिट्स पे काम करवाइए। सरकार कह रही है मिरिट्स पे कि मिरिट्स पे सब्सिडी है, ये है, दुनिया भर की स्कीमें मिरिट्स पर काम कर रही है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि सारी स्कीमें सिर्फ बुक्स में रखी है, लैपटॉप में रखी है, टैबलेट्स में रखी है। सरकार ऐसा कुछ आयोजन करे कि इसके लिए अवेयरनेस जाए और लोग अपने काम पर सुनिश्चित हो, खासतौर से नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और छोटे एमएसएमई मिलकर योजना बनाए, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो। नाबार्ड सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपका फंड प्रोवाइड करता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर स्किल्स की वीकनेस है, तो उसमें एमएसएमई को जोड़ा जाए। नहीं, अब आप लघु उद्योग भारती के प्रेसिडेंट हैं, तो आपने भी कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं तैयार करी होंगी जो मतलब एक लघु उद्योग के रूप में जहाँ पे महिलाएं ज्यादा है, महिलाओं को रोजगार चाहिए,
रोजगार कम से कम अपना गृहस्थी चलाने के लिए। लेकिन वो सरकारी जो अड़चन होती है कि सरकार के जो नियम होते हैं बैंक से लोन लेने के हो गए या मार्केट डेवलप होने में, वहाँ पे वो चीज अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल फील होती है। आज एमएसएमई की हम बात करते हैं, हो सकता है रजिस्ट्रेशन कराना आसान है, एमएसएमई में कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन उसकी जो सरकारी जो प्रतिक्रिया है, मतलब ये कैसे प्रोजेक्ट पास होगा और ये कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए फंडिंग कहाँ से होगी, गवर्नमेंट कैसे सब्सिडी देगी, इन चीजों में कहीं ना कहीं समस्या आती है। तो उस समस्या के समाधान के लिए आपकी जो संस्था है लघु उद्योग भारती, क्या कोई ऐसी पहल कर सकती है कि जिनसे इनको इन चीजों की सुविधाएं मिले और एक रास्ता साफ सुथरा नजर आए जो अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। आपने अच्छा विषय रखा है, मैं इसको पूरी प्रमुखता से अपने पास रखना चाहता हूं क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी काम कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विद इन 15 डेज हम एक स्किल सेंटर शुरू कर रहे हैं हमारे हेड ऑफिस के साथ में। हम वहां पर चुनाव कर रहे हैं कि ऐसे 15 से 20 लोगों को हर महीने हम लोग ट्रेनिंग दें जो डायरेक्ट सीधा आपको इंडस्ट्री में काम पे आए। जो आपकी आईटीआई टाइप की जो ट्रेनिंग है या किसी और टाइप की ट्रेनिंग है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जो उसको डायरेक्ट जाकर काम में आए और हम लोग उनको ट्रेनिंग ही देंगे। हमारा प्लान ऑफ एक्शन है कि जितने लोग हम ट्रेनिंग पे लेंगे उन लोगों को हम जॉब प्रोवाइड करा देंगे, डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड कराएंगे उनको। हमारा प्लान वो नहीं है कि हम ट्रेनिंग दें उनको बस वो घूमते रहे, उसके बाद वो बायोटा लेके घूमते रहे कि साहब ट्रेनिंग हो गई। नहीं, हम जितने लोगों को रखेंगे, 10 को रखेंगे, 15 को रखेंगे, हम उनको जॉब प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा आईटीआई रेवाड़ी से हमारा एक एग्रीमेंट भी हो गया है, अनौपचारिक हो गया है, औपचारिक होने वाला है, अब इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक सीएससी सेंटर हमारे लिए खोल रहे हैं जो गवर्नमेंट का सीएससी सेंटर है। मैं सीएससी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एक कॉमन लैंग्वेज में लोगों को समझ आए कि सीएससी सेंटर क्या होता है। तो जो आपकी समस्याएं आप मुझे बता रहे हो कि वो मैं उसे रोज दो चार होता हूँ, रोज मुझे दो चार लोग फोन करते हैं कि भाई ऐसे नहीं होगा, ये तो पता नहीं है, ऐसे तो मेरे को पता नहीं था, ये तो है नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए हम अपने हेड ऑफिस में दो लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जो सारी योजनाओं को। जो मानसर तक लाने का विचार था जो सरकार का, केंद्र सरकार का, उसको बावल तक लाया जाए। अगर बावल तक मेट्रो आती है उस परिस्थिति में क्या आएगी, जो मैन पावर है वो नेचुरली हमारे पास दिल्ली गुड़गांव वहां से आएगी, अदर स्टेट की आएगी, तो क्या यहाँ के जो बेरोजगार होंगे उन पे किसी उस तरह का प्रभाव पड़ेगा? पवन जी, मैं आपकी बात को इस विषय को अलग तरह से लेता हूँ क्योंकि आप अलग भावना से ले रहे हैं, मैं अलग भावना से ले रहा हूँ। अभियान हम लोगों ने चलाए हुआ है, अभी भी हमारी मनोहरलाल खट्टर जी से जल्दी मुलाकात होने वाली है रिगार्डिंग मेट्रो की, बावल की मेट्रो। बावल की मेट्रो से बाहर की मैन पावर आएगी, ये रेवाड़ी के जो उद्योग हैं उनके लिए सुगद है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, वो डेवलप होगी क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा, आप समझ रहे हैं कि बाहर से मैन पावर आएगी, नहीं, बाहर से जो हमारे छोटे उद्योग हैं वो भी आएंगे। आप रेवाड़ी को देख लीजिए, खुशकेड़ा को देख लीजिए, ये सब लोग डेवलप हो गए, इसलिए नहीं कि वो लोग आ गए, उससे आपकी मैन पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा आपके उद्योग डेवलप हो गए हैं और ज्यादा रोजगार मिल गया है, आपके लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, खुद को उद्यमी बनेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऑब्वियसली आपको काम मिलेगा। इसलिए बाहर के मेट्रो आना तो आपके लिए संजीवनी बूटी जैसा होगा, इंडस्ट्री के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए, बाजार के लिए, बिजनेस के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जो जॉब प्लेसमेंट का काम कर रहे हैं उनके लिए, ये तो बाहर से कितनी मैन पावर आएगी, जो स्किल मैन पावर है जो उद्योग में डायरेक्ट काम कर रही है वो लोग हो सकता है बाहर से आए, लेकिन इसके अलावा भी उद्योग बहुत सारे कामों को, रोजगारों को काम देती है, ऐसा मत समझिए। तो अब जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है टोटली ऑटो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है, चाहे वो होंडा वो होंडा इंडस्ट्रीज हो या मारुति इंडस्ट्रीज हो या हम कहते हैं हीरो होंडा या हीरो मोटर्स या टीवीएस, टोटली एक तरह से ऑटो इंडस्ट्रीज की जहां बात आती है। बाय द वे, कोई ऐसा रीजन हो जाए कि ऑटो इंडस्ट्रीज यहाँ की राजनीतिक पॉलिसीज को देखते हुए, राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए किसी अन्य राज्य में चली जाए, तो उस परिस्थिति में यहाँ का उद्योग है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मोदी जी ने अभी प्रयास किया कि मारुति को अपने गुजरात में ले जाने की कोशिश करी, या वहां भी एक प्लांट उन्होंने गुजरात में मारुति का लग रहा है, तो हम दूसरी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे डेवलप क्यों नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की, सिर्फ ऑटो पे सारी चीजें क्यों डिपेंड रही? आज 5,000 जो इंडस्ट्रीज है, बाय द वे ये दूसरी इंडस्ट्रीज अगर शिफ्ट हो जाती हैं तो इनको तो बहुत, एक तरह से इनका तो एक उद्योग था वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ऑटो इंडस्ट्री का ऐसा है कि पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है कि होंडा ने एक यूनिट अहमदाबाद में लगाया है, मारुति ने एक प्लांट लगाया है,
बट ये मेरे देश की मेरे प्रदेश की मट्टी का ख्याल है कि यहाँ के लोगों के कार्यकुशलता के ऊपर है कि होंडा या मारुति की वो फैक्ट्रियाँ इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी अपने हरियाणा की फैक्ट्री सक्सेसफुल। इसी का परिणाम है कि मारुति खरगोदा में एक बड़ा प्लांट जिसमें बैटरी और टू व्हीलर तक बनाने के लिए आ रही है। तो ये मैं अपनी माटी को प्रणाम करता हूँ कि वहाँ पर वो सक्सेसफुल रन नहीं कर रहे, तो गुजरात से उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा जिसके लिए वो जा रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारी जमीन जो है वो उपजाऊ है, तो हमारे यहाँ पर जो लैंड पूल है वो लिमिटेड है, इसलिए बड़ी इंडस्ट्री वहां पर जाना चाहती है, उनको बड़ी जगह मिले। अब हमारे यहाँ पर आपको 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ का पूल बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो आज वापस मारुति हमारी तरफ आ रही है, केएमपी पर खरगोदा के नजदीक आप जानते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो हमारा ऐसा नहीं है। तीसरा ये है कि हम लोग, ये हमारी कमी है कि हम लोग उस इंडस्ट्री के साथ साथ हम लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, कि हमारे जो लोकल उद्योग हैं वो उनके साथ मैचअप नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार उनको बेनिफिट नहीं दे पा रही है या समझा नहीं पा रही है या खुद भी स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी कमी हमारी है कि हम ऑटोमेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ डेवलप नहीं हो रहे हैं, हम अपने पुराने रवैये से काम करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। अगर हमें थोड़ा सा प्रयास किया जाए, हमें थोड़ा सपोर्ट किया जाए, सरकार से थोड़ी भूमि मिल जाए, हमारे यहाँ छोटे छोटे सेक्टर बनाए जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिनमें 100 गज के 200 गज के 300 गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बने जहां पर नीचे आदमी व्यवसाय कर सके और ऊपर अपना मकान बना सके। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर छिद्रावली में एक नई प्राइवेट इंडस्ट्रियल कॉलोनी आ रही है, एक आ रही है इंडस्ट्रियल टाउनशिप जिसके अंदर 300 गज के प्लॉट है इंडस्ट्रियल। तो मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ कि 300 गज के प्लॉट वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि 300 गज के प्लॉट का मतलब है जैसे हमारी अनाउंसमेंट है कि नीचे आप काम कर रहे हो और ऊपर आपकी आपका घर है, तो आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि छोटे मशीन के पास इतने फ्रक्चर नहीं होता कि वो इतने सारे कामों को कर सके, इतने सारे एम्प्लॉय को हायर कर सके। तो ऐसे छोटे प्लॉट्स हमें कहीं ना कहीं अलॉट किए जाए, इसके लिए तो मैं बहुत बार एप्लीकेशन भी दे चुका। इसके अलावा लघु उद्योग भारती एक नई रसोई शुरू कर रही है जो वर्कर्स के लिए है, जल्दी अगले महीने से हम एक रसोई शुरू कर रहे हैं 10 रुपए वाली। तो अभी मुझे एक जिम्मेदारी मिली है, लेबर वेलफेयर बोर्ड में मुझे एक मेंबर बनाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उनसे बात की है कि पीछे जींद में हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस महीने तक हम सेंक्शन कर देंगे और अगस्त से आपकी रसोई शुरू हो जाएगी। तो वहां प्लान कर रहे हैं कि 500 से 1000 आदमी हर रोज खाना खाएं 10 रुपए पर प्लेट या और जो दर निश्चित होगी सरकार की तरफ से, उसमें ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो यहाँ का हरियाणा का जो वासी है वो या तो फौज में जाना पसंद करेगा या गवर्नमेंट सर्विस में जाना पसंद करेगा या अपने जो खेती बाड़ी है वो वहीं तक ही सीमित रहना चाहता है, वो एक तरह से जॉब सीकर नहीं बनना चाहता। तो क्या अब जैसे इंडस्ट्रीज की हम फूड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, यहाँ पे एक दो यूनिट भी है फूड इंडस्ट्रीज की, पार्ले जी हो गई नीमराना में और इधर इंडोनेशियन फूड्स हो गई, अमूल मिल्क हो गया धारोड़ा में, और अभी हाल ही में बनवारी लाल जी हैं उन्होंने घोषणा करी कि वीटा का प्लांट भी बावल में आ रहा है, वीटा दूध का प्लांट भी आ रहा है। तो जब एक कैलकुलेशन हमने कर ली कि भाई यहाँ एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी जाए या उससे संबंधित को, तो सरकार को नहीं चाहिए कि पंजाब और हरियाणा में स्पेशल इसी तरह की इंडस्ट्री सेटअप की जाए? मैं तो भाई साहब खुद बोल रहा हूँ आपको, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्थापित किया जाना चाहिए, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज है उनके लिए अलग से प्राथमिकता आनी चाहिए, उनके लिए सब्सिडी प्लान आने चाहिए, उनके लिए लोन अच्छी दरों पर मिलने चाहिए, सोलर को प्रभावित करना चाहिए, जैविक खेती को प्रभावित करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर वेस्ट बहुत जनरेट हो रहा है, वेस्ट रिसाइकलिंग के ऊपर हमारे यहाँ पर ना तो देश ना प्रदेश में कोई काम अच्छे से हो रहा है। अगर हमारे प्रदेश के आसपास हम लोग अगर जैविक खेती के साथ साथ रिसाइकलिंग पे काम करें, कोई भी वेस्ट हो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उससे बायोगैस बना सकते हैं, उससे हम बहुत सारी चीजों का यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी तो बायो के पैलेट्स बन रहे हैं जो बर्निंग के काम आते हैं, जो आप जैसे धुआं कर रहे हैं आपके जितनी भी जो आपके सरकंडे हैं या जो फसल की पैदावार है वेस्टेज है या हम लोग उसको पराली बोलते हैं, इन सबके लिए छोटे छोटे बायोगैस प्लांट अगर बनाए जाए तो उनके लिए सरकार प्रोत्साहित करे। पहले बड़े बड़े प्लांट लगे तो 5 TPD के 10 PTD के, मैं प्रस्तावित करता हूँ 1 TPD का 2 TPD के प्लान दें, उनके अंदर सब्सिडी दें या उनको CSR में एक्टिविटी में डालें, खासतौर से बायोगैस को रिसाइकलिंग को सरकार हमेशा हर तरह से CSR एक्टिविटी में डाल दे। एक बड़ी कंपनी एक SPV बनाए, उसके अंदर सेल्फेड ग्रुप को डाले और उनके हाथ में एक बायोगैस प्लांट हाथ में दे दे, और उनका किसी भी जो भी हमारी ONG कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनियां हैं छोटी या बड़ी या स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट बनाए। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे गांव गांव में आपको CNG और प्लांट लगे मिलेंगे, और सरकार को ये CNG प्लांट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बार CSR किसी बड़ी कंपनी से करके आपको प्लांट लगाना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गांव में बने हुए हैं उनके स्टार रेटिंग के हिसाब से उनको SPV बना के उनको हाथ में देना है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे को बड़ी कंपनी से देना है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, पॉल्यूशन बचेगा,
पैसा बचेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को डायरेक्ट काम मिलेगा, महिलाओं को काम मिलेगा, बच्चों को काम मिलेगा, उनको हेल्प मिलेगी, एनवायरमेंट ठीक होगा, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं होगा। अगर हम ऐसी पॉलिसी बनाए कि हर गांव में बायोगैस प्लांट पक्का है, पंचायत कंफर्म करेगी, सीएसआर एक्टिविटी से बनाएगी, उसको चलाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप पंचायत नहीं चलाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाएगी। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे यहाँ पर देखिए कितनी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आप जानते हैं सर, आपके पास ही बहुत सारे। अगर बायोगैस सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करें तो आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जब गवर्नमेंट क्या नाम है गारमेंट उद्योग था, ये पूरी तरह पनप रहा था। गारमेंट लाइन में मतलब एक अच्छी स्कोप थी कि जो मतलब कि घरेलू महिलाओं के लिए काम दिया जा सकता है। तो प्रयास तो इसमें मैंने भी किया था, प्रयास ये किया गया था कि मानेसर से कुछ जैसे टी शर्ट्स वगैरह हैं, ये हैं, उनमें मोतियां लगाना, ये लगाना मैंने अपने इधर अपने मोहल्ले में लाके ये दी भी थी और काम भी निकला। लेकिन गारमेंट उद्योग का एकदम डाउन जाना के बाद उनको किसी तरह का रोजगार नहीं मिला, तो क्या जितनी इंडस्ट्रीज हमारी बावल में हैं क्या वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि सेल्फ एडेड ग्रुप्स को वो काम दें और उनको वो पूरा, चाहे पैकिंग से संबंधित हो, चाहे कोई छोटे प्रोडक्ट्स हो, ये टॉय प्रोडक्ट्स हो, इस तरह की जो है इस तरह के एक मार्केट को डेवलप किया जा सके। तो ऐसी चीजें महिलाएं कर सकती हैं घर में, क्यों वहां दिक्कत यहाँ है। अगर अब एक मोहल्ले की बात करूं तो मेरा मोहल्ला कुतुबपुर है, जहां लगभग 45 साल से कम उम्र की पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा विधवाएं हैं। क्यों? उनके हस्बैंड थे वो गुजर गए, वो शराब ज्यादा पीते थे, शराब के कारण वो नहीं है दुनिया में। तो अब उन परिवार को, क्योंकि एजुकेशन उनके पास है नहीं, एजुकेशन उनके पास सिर्फ इतनी है कि भाई पांचवी पढ़ी है, कोई छठी पढ़ी है, कोई टेट जा किसी ने मैट्रिक कर रखी है, तो अब उसे अपनी गृहस्थी चलानी है, तो गृहस्थी चलाने के लिए कुछ इस तरह की योजनाएं आपके पास हो सकती है ताकि उनको किसी तरह की समस्या ना। महिलाओं को काम देने के लिए आप मिलेट्स का काम शुरू कर सकते हैं, मिलेट्स के लड्डू बनते हैं, आप मिलेट्स के लड्डू बनवाइए। आप लोग पत्रकार जो है वो ऐसा समाज में फैलाइए कि बूंदी का लड्डू सब कुछ नहीं होता, मिलेट्स के लड्डू बनवाइए धर्मशालाओं में, प्रसादों में, जागरणों में, जो प्रसाद हम बांटते हैं कि मेवा का प्रसाद बांट रहे हैं उसमें हम मिलेट्स के लड्डू बनवाइए, सभी लेडीज को रोजगार मिल जाएगा। हमारे प्रदेश में, हमारा प्रदेश तो भंडारों का, आयोजनों का, जागरण का ही देश प्रदेश है। जितने लड्डू बटते हैं, जितने बूंदी बटती है, इतने लड्डू बटते हैं, हम उनका बाजरे का, ज्वार का, रागी का मिक्स करके लड्डू बनाते हैं। अभी पीछे ही जब राम भूमि जन्मभूमि न्यास था तो हमने 10,000 लड्डू बनवाए थे, मैंने खुद बनवाए थे और उस मंदिरों में बटवाए थे। अभी लड्डू बटने हैं, लड्डू से अच्छा है कि ये लड्डू बटवाए, हमने घर भी रखे, घर भी खा के देखे, बहुत अच्छे लड्डू थे। तो कुछ ना कुछ महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा कि उनको क्या करना है, उनके अंदर स्किल क्या है, और थोड़ी स्किल हमें समझानी पड़ेगी। तो हमें समझाने के लिए हम एक ऑफिस में सिस्टम खोल रहे हैं जिसमें वो लोग बताएंगे कि ये काम हो सकते हैं, इसी तरह काम, मिलेट्स के बिस्कुट बन सकते हैं, मिलेट्स की कुकीज बन सकती हैं, आप उनको प्लान कर सकते हो कैसे खाना है, सुबह की सत्तू के टाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पीछे मेरे को अभी एक बीजेपी के छत्तीसगढ़ के एक एमपी मिले थे, तो वहाँ पर रागी बहुत होती है, वहाँ मैंने पता किया कि जो अपने ये होते हैं हमारे जो वनवासी होते हैं ये उसको घोल के लेके जाते हैं पानी में रागी को, और पूरे दिन उसी को पीते हैं, और उसके अंदर सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, कुछ और नहीं खाते, जब घर आते हैं तभी कुछ खाते हैं, अदरवाइज उसको पानी में घोल के ले जाते हैं और घोल के उसको ही दिन भर पीते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम लोग घर से कर शुरू कर सकते हैं। हमारी महिलाओं को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा और अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमें काम करना है और इस तरह का काम करना है, अपनी स्किल को निखारना है, समय के साथ थोड़ा काम हमें करना पड़ेगा। मैं उन सबके साथ, मैं उनके दुख में साझी हूँ कि उनके साथ ऐसा अन्याय हो गया, प्रभु ने उनको ऐसा देखा इस समय में, लेकिन अब तो उनको उठ के खड़ा होना चाहिए और नए कामों की तरफ प्रारंभ करना चाहिए। जो वस्तु स्थिति है उसका सामना तो करना पड़ेगा, और थोड़ी स्किल डेवलपमेंट पे या अपने आप को अब तो प्रोवाइड सेलेक्ट करें एक सिस्टम में कि हाँ ये मुझे करना है या मुझे ये नहीं करना है। हम इसको रखेंगे तो हमें लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि जब तक आप स्वाभिमानी नहीं बनोगे तब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप में काम नहीं कर सकते। आप काम करेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि आप में स्किल है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो स्किल नहीं समझेगी। तो कुछ भी करें, प्लान करें, सोचें, समझें, देखें, इकट्ठा करने की कोशिश करें कुछ चीजों को, जहां पे भी ऐसे रोजगार को ऐसे सिस्टम लग रहे हुए हैं। जैसे मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोग रोजगार का कार्यक्रम लगाते हैं, वहां पर हमेशा जॉब सीकर्स को बुलाते हैं। मैं कहता हूं एक ऐसा रोजगार का कार्यक्रम बुलाया जाए जहां पर इन सारे उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों की भी आपको उनको देना चाहिए कि जानकारी की जिस तरह के आप घर बैठ के कर सकते हो।
अभी मैं आपको बता रहा हूँ लघु उद्योग भारती और CSIR सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसर्च कंपनी की रिसर्च हमारी इंस्टीट्यूशन है, आपने सुना होगा, इस इंडस्ट्रियल रिसर्च करती है, उन्होंने अपने यहाँ पर 800 पेटेंट्स को सेल करने का प्लान बनाया। लघु उद्योग भारती ने उनसे कहा है कि छोटे वैसे जो देश सुरक्षा में उपयोगी नहीं है वो पेटेंट उनके पास रखे हुए हैं और पड़े हुए हैं वहां पर ना, उनके पास रखे हुए बस। तो अभी उन्होंने प्लान किया है कि 800 से ऊपर पेटेंट वो सेल करेंगे, जिसकी मिनिमम कॉस्ट 10,000 रुपए से शुरू है और 8,00,000 रुपए तक है, लेकिन 8,00,000 की उसमें भूमिका मुश्किल से 10 पेटेंट्स की होगी। इसके अलावा कैंडी का, इसका, फ्रूट्स का, मैं आपको लिंक भेज सकता हूं पूरा, उसके अंदर 99 पेजेस है और 800 से ऊपर पेटेंट है जो आपको सेल करने को मिलेंगे। तो इतनी सारी चीजें सरकार करने की तरफ जा रही है, हमारी लघु उद्योग भारती से परिश्रम कर रही है, अभी हमारी IIT रुड़की से भी बात चल रही है कि कुछ ऐसे पेटेंट जो देश सुरक्षा में प्रभावी नहीं है उनको आप बाहर लाके सेल कर दो, कम से कम लघु उद्योगों के ऊपर नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, कुछ काम कर पाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे उद्योग उस बुकलेट में है जिसमें लेडीज काम कर सकती है, जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपए है। मैं आपको बोलता हूं अगर कोई ऐसी लेडीज है जिसके अंदर स्किल है, उसके 10,000 रुपए मैं पे करता हूं उसके पेटेंट के, मैं उसको काम बताता हूं। करने की कुशलता खुद से आनी लानी पड़ेगी, उसके अंदर से अपनी भाव लाना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना ही है, छोड़ना नहीं है, करना है मुझे, मुझे किसी की जॉब नहीं करनी, मुझे अपना काम करना है और मैं करके रहूंगी, ऐसा मन में प्रण करना पड़ेगा, उसके साथ मैं अपना हूँ। आप बताइए कहीं ऐसी हेल्प की जरूरत हो मैं करता हूँ। अब एक बात करते हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम एक ऐसा व्यक्ति ऐसे मैनेजमेंट में मानते हैं जो हर चीज की एडजस्टमेंट कर सकता है, तो आप CA होने के CA थे, CA हैं? नहीं हूँ मैं CA, आपको समझ आता हूँ, मैं CA नहीं हूँ, मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, मेरी कोई ऐसी तकनीकी ऐसी मेरी डिग्री नहीं है, मेरा अपना व्यवसाय है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो फिर आपने कैसे एकदम सोचा, आज से 12 साल पहले की बात करें तो आपका 50x50 का एक हॉल था जिसमें आपने जॉब वर्क लिया था दूसरी कंपनी का और वहां से आपकी शुरुआत थी, लेकिन पिछले ये 12 सालों के अंदर अंदर आपने लगभग 4 या 5 प्लांट तक आपने सेटअप किए हैं, एक्साइड के लगा लीजिए या दूसरे, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे मिला और साथ में आपने इस सिस्टम को कैसे संभाल लिया कि सारी चीजें प्रोग्रेस की तरफ चलती रही। देखिए भाई साहब, इसमें सबसे बड़ा योगदान तो मैं मेरे पिताजी को देता हूँ, उनके आशीर्वाद से सब हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जब तक आप अपने आप को लेटेस्ट अपग्रेडेशन की तरफ हर रोज रखेंगे, रोज एक कदम अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ाएंगे, आपको पूरी दुनिया में तरक्की नहीं रोक सकते, मैं आपको बता सकता हूँ। हर्डल्स आएंगे, अप्स एंड डाउन आएंगे, रोड ब्लॉकर्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा, बट अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप लानी है और मेरे अंदर एक भावना है जो मैं बोलता हूँ देश सेवा एक फ्रंट पे काम कर रहा है, हमारा सैनिक काम कर रहा है, उसका तो मुकाबला मैं कभी नहीं कर सकता, उसके तो चरण छूने का मन करता है मेरा, लेकिन एक देश सेवा ये भी है कि यहाँ जितने लोगों को आप रोजगार दे सको, उनके परिवारों को सालों महीनों तक हर रोज सैलरी मिले और उनका भविष्य सुरक्षित रख सको, मेरी तरफ से मेरी देश सेवा ये है। ये भावना जब तक आपके अंदर रहेगी कि आपको देश सेवा करनी है, लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप जैसा कह रहे हो वैसा काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर उनके भविष्य के बारे में आपको सोचना होता है और उस सोचने के प्रकार से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हैं उससे आपके अंदर एक तत्व पैदा होता है कि लड़ना है, और जब लड़ना होता है तो लड़ जाता है आदमी और लड़के जीत जाता है, आप जानते हो। ये डर सिर्फ इस बात का है कि मैं लड़ना है। मैं फिर दोबारा सभी एंटरप्रेन्योर्स के आह्वान करता हूँ कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये सिर्फ जैसे आप 3 साल की क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहे हो, MBA कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, अगर 4 साल आपने किसी इंडस्ट्री को, छोटे उद्योग को, किसी प्रकार के काम को आपने चला लिया, आप फेल नहीं होंगे। सिर्फ आपको 3-4 साल जैसे एक स्टडी करनी होती है, एक स्टडी लेवल 4 साल का है, फिर ट्रेनिंग सेशन है, ये है वो करके, आप 4 साल तक सिर्फ ये करें कि मेरे को करना है, बस खत्म, और कुछ सोचना नहीं है। आप 4 साल बाद नहीं, 2 साल बाद ही समझ जाएंगे कि मैं कामयाबी की तरफ हूँ। शुरुआती स्टेज में आपको दिक्कत आएगी, इसमें कोई दुराज नहीं है, लेकिन ये भी एक एजुकेशन है जो आपको ग्रहण करनी चाहिए, जो आपके लिए हमेशा काम आएगी। वो शिक्षा आपके हमेशा काम आएगी मानता हूं, लेकिन वो किसी और के लिए काम आएगी, किसी और के कहने से, समझने से आपकी जो कुशलता है वो बताएगा। दूसरा आदमी मापक यंत्र है कि आप सही हो या गलत हो। अगर आप खुद का 2 साल लगाओगे, एंटरप्रेन्योर स्किल में जाओगे, तो आपको अपने लिए, खुद के लिए सोचने का समय मिलेगा। तो मैंने ये समझा था कि मैं खुद से सीखूंगा, लोगों से सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, बस और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो आप जैसे तीन कैटेगरीज है, उनमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे हम उद्योगों की बात करते हैं, MNCs कंपनी है, वो जनता में कैसे सहयोग करे, और पब्लिक है, पब्लिक कुछ उम्मीद लगा के करती है कि उनका कैरियर कैसे बने, और जो ये है बेरोजगार है या जो स्किल्स जॉब सीकर्स हैं, तो इन तीनों के लिए आप क्या?
और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप जैसे तीन कैटेगरीज है, उनमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे हम उद्योगों की बात करते हैं, एमएसएमई कंपनी है, वो जनता में कैसे सहयोग करे, और पब्लिक है, पब्लिक कुछ उम्मीद लगा के करती है कि उनका कैरियर कैसे बने, और जो ये है बेरोजगार है या जो स्किल जॉब सीकर्स हैं, तो इन तीनों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उद्योग किस तरह से हमारे समाज में या हमारे स्किल वालों को, स्किल सीकर्स को हेल्प करे? देखिए पवन जी, सबसे पहला मैटर होता है कि इंसान को खुद को समझना कि मैं क्या हूं, मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं। अगर मैं जो बेस्ट कर सकता हूं उसको करने की तरफ जाऊं, जिसमें मुझे 24 घंटे काम करने से आनंद मिले, जिस काम को मुझे 24 घंटे करने से परेशानी ना हो, मुझे थकान ना हो, वो काम मेरा है। चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आप एमएसएमई कर रहे हो, चाहे एमएनसी में काम कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, आपको किसी काम को करने से 24 घंटे तक सुकून मिलता है, तो वो काम आपका है। पहले वो पहचानना जरूरी है। अक्सर क्या करते हैं, काम के दबाव में, घर के दबाव में, एजुकेशन के दबाव में, किसी और दबाव में हम वो चुनते हैं जो हमारा है ही नहीं। हमको सबसे पहले हमको पहचानना है कि हम कौन है। हम एंटरप्रेनर हैं, हम जॉब सीकर हैं, हम काम के हैं, हम बेकार हैं, हम वर्कर हैं, जो कुछ भी हैं, हम किसी दबाव में ना बने। हम अक्सर दबाव में काम करते हैं कि हम ये करेंगे क्योंकि ये करना पड़ेगा, मेरा कल का प्रॉब्लम ये है इसलिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। अगर हम कल को भूल के परसों भी सोचेंगे तो आनंद आएगा काम करने में, पहले तो कि मुझे कुछ भी हो। तो अगर मेरा कोई पड़ोसी, मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी डॉक्टर बन गई है तो मुझे भी डॉक्टर बनना, नहीं ऐसा नहीं है। मैं क्या हूं उसके हिसाब से अगर आप अपने आप को चुनो तो बेटर रहेगा। हर आदमी आज के वक्त में एक जॉब की तरफ भाग रहा है। ये जॉन मैकेले थे हमारे अंग्रेजों के, आपने पढ़ा होगा शायद, आप बहुत पढ़ना। जॉन मैकेले ने हमारे को सिखाया था कि हमको जॉब करनी है, क्योंकि अंग्रेजों को सिर्फ जॉब सीकर चाहिए, और अदरवाइज हिंदुस्तान जो है बाट सिस्टम में रहता था। हमारे टाइम में अभी बटाई पे खेत जाते हैं, बटाई में सब कुछ जाता है, नाई, जूते, कपड़े, खाना बाना सब हमारा बटाई पे जाता था। हम लोग आपस में ऐसे व्यवहार करते थे, तो हम लोग खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट थे। आज हम जॉब सीकर बन गए हैं, इसलिए हमें समस्या है। जॉब सीकर को जॉब कितने टाइम तक मिलेगी, आपको जॉब कहाँ तक मिलेगी, और वो भी इतनी स्किल्ड कैसे मिल जाएगी जो आपके लेवल की है। फिर आपको एक नई चीज आती है कि आपके अंदर डिप्रेशन आता है, या कोई आपके अंदर को परेशानी खड़ी होती है कि मेरा काम नहीं है। अगर सामने वाला, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने वाला बंदा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, फिर भी हम उसके साथ उसके अंदर काम करते हैं, तो हमारे अंदर फिर एक निराशा बढ़ती है। इसलिए हम ऐसा सोचें कि हम थोड़ा वक्त लें, और वक्त लेके फिर डिसीजन करें। हमारे यहाँ 8th क्लास से बच्चों को रटाना शुरू कर देते हैं डॉक्टर बनना है, अब उसके दिमाग में डॉक्टर रटा हुआ है। जब तक वो नीट में पास नहीं होगा तब तक वो नीट के लिए गाली बकता रहेगा, नीट के लिए बात करता रहेगा, नीट 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 करता रहेगा, मेंस करता रहेगा, हम उसी पे बात करते रहेंगे। हमारा मन भी यही करता है कि हम इसी बात करते रहें। आजकल का विषय है नीट का, तो हमारी पूरी जनरेशन, पूरी प्रेस, पूरी न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया आपकी नीट पे लगी हुई है कि आप लोगों का भी नहीं, आप लोगों का भी स्वभाव है कि जो पढ़ना चाहते हैं लोग। मेरे समय में मैं ये नहीं समझता कि आज के वक्त में कोई इस बारे में बात नहीं करता कि कितने लोग एंटरप्रेनर बन गए हैं, बन जाएंगे, स्टार्टअप बन रहे हैं, स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, मान लिया मैंने स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप बनाने की हिम्मत की उन्होंने, कोशिश की उन्होंने, एक कोशिश को सलाम नहीं कर रहा थोड़ी भी। हम लोग कह रहे हैं स्टार्टअप बन रहे हैं और गिर रहे हैं, 90% गिर रहे हैं, 100% बने, कोशिश की, देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार दिया, और आज भी वो कहीं ना कहीं छुप के प्रयासरत है। स्टार्टअप बनाना, उसके लिए प्रयासरत होना, अपने आप को खोजना छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। आप इसको नीट से कम मत समझिए। लेकिन अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो पवन जी आप उसको घर इंटरव्यू में जाते हैं। लेकिन अगर किसी का बच्चा अच्छा इंडस्ट्रीज बन गया है और उसने एक फैक्ट्री सेटअप कर लिया, आप उसका इंटरव्यू नहीं जाओगे, ना ही को प्रेस जाएगी, जबकि वो रोजगार प्रोवाइड करेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, वो देश की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक न्याय व्यवस्था में, हर जगह दान में, हर जगह आगे रहता है इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन, दान में सबसे आगे रहता है। फिर भी हम उसको कभी भी ऐसे नहीं देखते कि ये आइडियल है। आइडियल सिर्फ एक है जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, और कोई हमारे यहाँ पर आपने आइडियलिज्म, सारे आइडियलिज्म को ध्वस्त कर दिया, या फिर आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस, कोई भी हो, आप एक अच्छे जॉब सीकर को जब वो जॉब पे स्टेबलिश हो जाएगा तब आप उसको सलाम करते हो, आप उसको प्रोत्साहित करते हो। एक अच्छे इंडस्ट्रिस्ट को कभी भी आप नहीं प्रस्तावित करोगे कि प्रस्तावित हो जाए वो समाज में कि आपने भी कोई उपलब्धि प्राप्त की है, उसके साथ ये जोड़ा जाएगा इसने ये किया था, इसने वो किया था, ऐसा करके आप उसको जोड़ दोगे। बट उसके प्रयासों को कभी भी उस तरह से समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती जिस प्रतिष्ठा से उसको मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ पर एमएसएमई डेवलप नहीं हो रहे, क्योंकि एमएसएमई के आइडियल नहीं है। तेंदुलकर के आइडियल है, विराट कोहली के आइडियल है, डॉक्टर के आइडियल है, प्रोफेशनल के आइडियल है, लेकिन आपने एक भी इंडस्ट्री की, छोटी सी इंडस्ट्री को कोई आइडियल नहीं क्रिएट करते आप, इसलिए आपकी एमएसएमई पिछड़ रही है।
और देश की अर्थव्यवस्था पे। क्या आपका लघु उद्योग जो भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है क्या उसकी तरफ से कुछ ऐसा सम्मेलन या कोई ऐसा सम्मेलन किया जाना चाहिए जिसमें इन तरह के जो हैं जो इंटरेस्ट लेने वाले जो व्यक्ति हैं महिलाएं हैं पुरुष हैं तो उनको मोटिवेट किया जा सके और मोटिवेट ही नहीं से उनको सपोर्ट भी किया जा सके कि भाई कहाँ से कैसे मिलेगा कहाँ से क्या मिलेगा मार्केट कैसे होगी इन सारी चीज़ों के लिए कोई इस तरह का प्रयास लघु उद्योग भारती की तरफ से किया जाएगा। लघु उद्योग भारती का प्रयास ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। हमारी पूरे भारत में 550 ऊपर संस्थाएं हैं और उसके अंदर कम से कम 60,000 से ऊपर डायरेक्ट एमएसएमई जुड़े हुए हैं। हमें कोई भी समस्या होती गुजरात में पंजाब में हिमाचल में हरियाणा में साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ और देश की अर्थव्यवस्था। क्या आपका लघु उद्योग जो भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है क्या उसकी तरफ से कुछ ऐसा सम्मेलन या कोई ऐसा सम्मेलन किया जाना चाहिए जिसमें इन तरह के जो हैं जो इंटरेस्ट लेने वाले जो व्यक्ति हैं महिलाएं हैं पुरुष हैं तो उनको मोटिवेट किया जा सके और मोटिवेट ही नहीं से उनको सपोर्ट भी किया जा सके कि भाई कहाँ से कैसे मिलेगा कहाँ से क्या मिलेगा मार्केट कैसे होगी इन सारी चीज़ों के लिए कोई इस तरह का प्रयास लघु उद्योग भारती की तरफ से किया जाएगा। लघु उद्योग भारती का प्रयास ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। हमारी पूरे भारत में 550 ऊपर संस्थाएं हैं और उसके अंदर कम से कम 60,000 से ऊपर डायरेक्ट एमएसएमई जुड़े हुए हैं। हमें कोई भी समस्या होती गुजरात में पंजाब में हिमाचल में हरियाणा में साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में हमें कोई समस्या होती है हम अपने साथी एमएसएमई से बात करते हैं वहां से अपनी समस्या का समाधान करते हैं। किसी भी तरह की हमें कोई समस्या आ रही है तो अभी मुझे क्रेन खरीदनी थी सपोज कीजिए आप है ना तो मैंने हमारे अहमदाबाद से कोटेशन हमारी टीम ली थी तो अहमदाबाद की जो पार्टी थी उसने हमें बताया कि सारी प्रोसेस में जो फॉर्मेलिटी थी पूरी हो गई थी आखिरी में सिर्फ एडवांस देना था तो मुझे मैंने अपने एक गुजरात के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने नंबर दिया अहमदाबाद के जो प्रेसिडेंट है कि भाई साहब इनसे बात कर लीजिए। मैं उनके पास बात की तो मैंने कहा उन्होंने कहा कि इनकी हालत कंडीशन कमर्शियल ठीक नहीं है अभी तो आप ऑर्डर मत दीजिए आप देखिए मेरे 50 लाख रुपए बच गए। तो ऐसी और बहुत सारी हेल्प है जो कर रही है ऑलरेडी जम्मू में अभी हमारी लघु उद्योग भारती ने अभी एक सम्मेलन किया था जिसमें माननीय लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी आए थे और उद्योग मंत्री भी आए थे एमएसएमई मिनिस्टर भी आए थे मेघवाल जी भी आए थे और अपने महाराष्ट्र में है अभी नहीं है लेकिन एमएसएमई मिनिस्टर थे वो भी आए थे। बहुत बड़ा सम्मेलन था राष्ट्र के लेवल का उसमें उन्होंने हरियाणा के उद्योगपतियों को वो एमएसएमई मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के थे तो वो खुद भी आए थे और उन्होंने हमारे को बताया हरियाणा के उद्योगपतियों को कि 300% सब्सिडी आप ध्यान से सुनिएगा सभी लोग इन्वेस्टमेंट का 300% सब्सिडी जम्मू में अगर आपको इंडस्ट्री लगा रही तो ऐसी स्कीम अभी जैसे मैं आपको बताया कि सीएसआईआर के साथ हम लोग पेटेंट को सेल कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो आपको बिजनेस मिल जाएगा नया और उसके साथ स्टैंप हो जाएगी कि आप सीएसआईआर से अप्रूव टेक्नोलॉजी से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी सेल और प्रतिष्ठा और गुडविल और क्वालिटी दोनों चारों सारी चीजें स्टेबल रहेंगी। तो ऐसे बहुत सारे गंभीर प्रयास हैं हमारे अलग अलग आयाम बने हुए हैं लघु उद्योग के लिए अलग बना हुआ है नेट जीरो के लिए अलग बना हुआ है ईवी पर अलग आयाम काम कर रहा है स्टार्टअप्स के लिए अलग काम कर रहा है ऐसे 16 आयाम है जिन पर लघु उद्योग भारती लगातार हर रोज हर दिन हर घंटे हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसमें से 2 आयाम में मैं जो भी नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ है ईवी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और नेट जीरो में इसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ। अभी हम लोग एक बस कन्वर्ट कर रहे हैं एसी बस को पुरानी बस को हम ईवी में कन्वर्ट करने के लिए सरकार से सीएसआईआर फंड मांग रहे हैं वो फंड अप्रूव हो गया है हम 1.5 करोड़ रुपए में नई बस पुरानी बस को इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे जिससे जितनी पुरानी बसें कंडम होने वाली हैं उन पर वो सब कन्वर्ट हो जाए। नई बस तो बनाएगी कंपनी लेकिन पुरानी कन्वर्ट कौन करेगा कितना हमारे पर रिसाइकल का प्रॉब्लम आएगा इतने सारे इशू आने वाले हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो 1.5 लाख में आपके 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का सीएसआईआर फंड बन रहा है जिसमें हमें एक बस में लागत कैसे आएगी जैसे मतलब एक बस मानो 20 लाख रुपए की है तो बस तो गंदा हो जाएगी बस तो फिर वो डैमरेज में जाएगी तो डैमरेज में जाने से अच्छा है कि हम उसमें ईवी में बैटरी लगाएंगे मोटर्स लगाएंगे बाकी सब चीजों से रहेंगे तो उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा। नहीं अभी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं भाई इसके बारे में नहीं कह सकते अभी तो प्रयोग है तो अभी प्रोटो तैयार कर रहे हैं हम एक पहले एक बस बनाएंगे फिर 5 बस बनाएंगे इसके साथ हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो अनुसंधान केंद्र है जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी टीम बनाई हुई है उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं ऐसे नेट जीरो पर भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सीबीजी के प्लांट्स पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक सीबीजी ने जो हमारा ग्रुप है नेट जीरो का उसमें एक जनरल मैनेजर जुड़े हैं जो आईयूसी के जीएम है रिटायर्ड जीएम है दिल्ली जुड़े हैं वो तो उनसे भी हमारे काफी सहायता हमें मिल रही है
कि निप्रो उगाना है, किस तरह की फसल उगानी है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आया भाई जो काम कर रहे हैं। ये मतलब कितनी सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन लघु उद्योग भारती अपने लेवल पर उच्चतम स्तर पर काम कर रही है, और कोई इकाई नहीं है हिंदुस्तान में जो इस तरह से काम कर रही है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ऐसी कोई इकाई नहीं है। सब आपको व्यापारिक प्रतिष्ठान दिखेंगे, लेकिन डायरेक्ट एमएसएमई के लिए कोई काम कर रही है वो इकाई सिर्फ लघु उद्योग भारती हिंदुस्तान में, जो राष्ट्रीय संगठन है, इकलौता, मेरी नजर में दूसरा नहीं है। अगर आप हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का फिर दोबारा धन्यवाद।